नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। राजनीतिक दल के साथ रह सकता है, किसी भी भाषा में बात कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी व्यवसाय जो कानून से व्यवसाय किया जा सकता है वो व्यवसाय कर सकता है, देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है, ये अधिकार सारे लोगों को। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि अभिजीत आचार्य, इंद्राणी आचार्य, साधन पाल, ये लोग पिछले साल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर आसनसोल नगर निगम के ये पार्षद थे और इस चुनाव में कुलटी में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर आ गई। अब ये गुस्सा जो शासक दल में जो लोग हैं उनका उनके इस गुस्से के कारण इन लोगों को कैसे हैरेस किया जाए, इसका एक प्रयास किया जा रहा है। ये जो जमीन है, ये आप देख रहे हैं कि ये अभिजीत आचार्य की पूर्वजों की जमीन है, इसका डॉक्यूमेंट है इनके पास। और यहाँ एक छोटा मंदिर बन रहा है, मंदिर में गाय या जानवर ना चले आए इसके लिए एक बाउंड्री वॉल यहाँ किया है। इसे हैरेस करने के लिए नगर निगम के द्वारा इसे एक नोटिस किया गया और नोटिस में ये लिखा गया कि आप यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग गैरकानूनी है, आप बंद। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूँगा, ये जो नोटिस कोई भी किया जाता है नगर निगम से, तो कोई भी अभियोग आए उसके बाद उस पर इंजीनियर आके इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करके रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट के आधार पर नोटिस दिया जाता है। तो यदि कोई यहाँ पर आया होता देखने के लिए, इंक्वायरी किया होता, तो उसको दिखाई देता आंख यदि भगवान ने दिया है तो, कि कोई बिल्डिंग नहीं बन रहा है। यानी या तो जिसने इंक्वायरी किया उसने झूठा रिपोर्ट दिया, या फिर बिना इंक्वायरी किए हुए अभिजीत आचार्य चूंकि बीजेपी में चले आए हैं इसलिए उनको हैरेस करने के लिए इस तरह का नोटिस कर दिया। हम लोग अभिजीत आचार्य कल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को चिट्ठी करेंगे कि जिस इंजीनियर ने झूठा रिपोर्ट दिया है चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और यदि इंजीनियर ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, अपने आप हम लोगों ने नोटिस किया, तो जिसने नोटिस किया उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। और नगर निगम या शासक दल के जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों के जीवन में और बहुत सी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के समाधान का प्रयास कीजिए, लोगों का जीत जीतने का प्रयास कीजिए। इस तरह लोगों को हैरेस करना ये उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। और कॉरपोरेशन के जो काउंसलर थे उनके साथ यदि ये व्यवहार होता है तो साधारण जो जनता है उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में नगर निगम में जो लोग हैं या शासक दल के जो लोग हैं वो लोग कुछ शिक्षा लेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल लेकर के जो सोशल मीडिया पर युवाओं में उसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साह। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ बाबुलदा भी आसनसोल की जनता को बहुत प्यार करते हैं और आसनसोल की जनता भी बाबुलदा को बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों तरफ का जो प्यार का संबंध है ये कहीं ना कहीं रंग लाएगा। और हमारे विरोधी जो सोचकर खुश हो रहे हैं कि फिर बाबुलदा चले जाएंगे, उनकी खुशी एक दो दिन की है, बाबूदा कहीं नहीं जाएंगे। आसनसोल की जनता का प्यार उनको कहीं जाने ही नहीं देगा, वो यहीं रहेंगे, सांसद के रूप में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी। अगर बाबू सांसद पद से रिजाइन दे देते क्या कुलटी का अगर मगर की कोई कहानी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आसनसोल की जनता के प्यार में इतनी शक्ति है और बाबू सुप्रियो जी की आसनसोल की जनता के प्रति जो प्यार है, ये दोनों जो प्यार का रिश्ता है ये इतना मजबूत है कि इसमें अगर मगर के लिए कोई स्थान नहीं।